चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन चलाकर पूरी दुनिया में एक संदेश देने का काम किया। हमें आंदोलन जीवी का, आतंकवादी का, खालिस्तानी का, पाकिस्तानी का, पता नहीं क्या क्या संज्ञा दी। और सर्व समाज के लोगों की जीत का नतीजा है, संघर्ष का नतीजा है, आज उनकी जीत हुई है। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी महेंद्र सिंह के, चौधरी महेंद्र सिंह के, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, जयंत चौधरी। आज किसानों के लिए बड़ा दिन है और मैं बधाई देता हूँ, सलाम करता हूँ एक एक किसान को जिसने इस आंदोलन की शुरुआत से और आज तक अपना खून पसीना, अपना परिवार, अपना समय सब कुछ न्यौछावर किया। मैं बधाई देता हूँ उन सब किसान नेताओं को, संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों को, जिन्होंने अहिंसात्मक रूप से दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन चलाकर पूरी दुनिया में एक संदेश देने का काम किया कि यदि आप ठान लें और गलत चीज़ के खिलाफ आप खड़े हो जाएं, तो लोग भी आपके साथ आएंगे और अंततः आपकी जीत होगी। तो आज ये किसान की जीत है और नरेंद्र मोदी की हार है। क्या किसान आंदोलन का बड़ा असर रहेगा चुनाव को लेकर? देखिए, किसान आंदोलन का ही असर रहेगा देश में भर चुनाव पे, वो बंगाल में भी देखा, और भारतीय जनता पार्टी के वादों के अनुसार ही अब काम होगा, क्योंकि इनके वादे झूठे हैं। जितने ज्यादा वादे करेंगे उतना जल्दी हारेंगे। इतने किसानों की शहादत हो चुकी है, इस पर भी क्या बात होगी? लगभग 750 से 800 के बीच हमारे किसान भाई वहाँ पर शहीद हो गए, और ये निकम्मा प्रधानमंत्री कहूँगा मैं तो, उसे निकम्मा झूठा कहूँगा, जय इसके संवेदना मर्ग इसकी जय, इसने किसी किसान की मौत पे शहीद किसान कहेंगे हम तो जय, क्योंकि वो आंदोलन में शहीद हुए। अगर कोई इनका कच्चाधारी कहीं जाकर मर गया तो उसके ऊपर भी ये ड्रामा करते हैं। हमें आंदोलन जीवी का, आतंकवादी का, खालिस्तानी का, पाकिस्तानी का, पता नहीं क्या क्या संज्ञा दी, परंतु ये कच्चाधारी जय अब कहाँ गए? अगर गलत कानून ना होते वापिस नहीं लेता मोदी, ये जय गलत था कानून इसलिए इसने वापिस लिया गया। आपको क्या लगता है किसान वापस आएंगे इस फैसले के बाद किसान आंदोलन से? किसान राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के साथ है जी, एक जन जन की वो है, एक साल कोई बहुत मामूली छोटा समय नहीं है। अब इतिहास में ऐसा लिखा गया अगर इन्होंने इतना धरना चला, किसान की मजबूरी का फायदा उठाया नहीं, उन्होंने खाल तारने के अलावा और कोई काम करा ही नहीं यूपी में पाँच साल होने में। बिजली कहाँ है, खाद कहाँ है, तेल कहाँ है? बिल्कुल अभी घोषणा ही हुई है कि कृषि कानून को वापस लेने की, लेकिन अपना भाषण नहीं पटने का, बड़ी पंचायत है, इतने किसान वही डटा रहेगा, ऐसे कुछ भी कर। आप कितना भरोसा करते हैं इस घोषणा पर? भरोसा तो अब संसद सत्र चलेगा 29 तारीख से, उसमें पास होगा, जब भी हम भरोसा करेंगे तो संसद में पास हो जाएगा। और ये तो एक शुरुआत, अब मुद्दे तो हमारे बहुत हैं, मांग तो अभी MSP का मुद्दा है सबसे सर्वप्रथम, तो किसान को उसकी फसल का मूल्य नहीं मिलता, बिजली का बिल है, गन्ने का रेट है, गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा हमारे मुजफ्फरनगर में, 322 करोड़ शामिल में 322 करोड़ का बकाया है। सबसे ज़्यादा जो इस प्रदेश का गन्ना मंत्री है सुरेश राणा जी, उसके मिल है थाना भवन उसके क्षेत्र में, सबसे ज़्यादा उस पर ही बकाया है। किसानों की किस ताकत किस तरह में बढ़ी है अभी? ये आज जो इस देश के प्रधानमंत्री को कृषि कानून काले कानून कहेंगे हम तो, काले कानून बिल जो लाए थे ये, और उनके खिलाफ जो संघर्ष किसान और मजदूर कर रहा था, जो वापस लिए आज इस देश के प्रधानमंत्री ने, ये किसान और मजदूर और सर्व समाज के लोगों की जीत का नतीजा है, संघर्ष का नतीजा है, आज उनकी जीत हुई है। और जब तक इस देश से, इस प्रदेश से, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं उखाड़ फेंकेंगे तब तक ये मुद्दे समाप्त नहीं। महेंद्र भाई